हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग एसएसएम चैप्टर फ्रॉम एससी वर्मा का ऑब्जेक्टिव वन करेंगे। तो इसमें अराउंड शायद 18 क्वेश्चंस हैं, याद नहीं एग्जैक्टली, लिखा हुआ है, मतलब सब इस शीट पे है। तो स्टार्ट करते हैं। अ स्टूडेंट सेज दैट ही हैड अप्लाइड अ फोर्स एफ इक्वल टू माइनस के रूट एक्स ऑन अ पार्टिकल एंड द पार्टिकल मूव्ड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ही रिफ्यूज टू टेल वेदर के इज़ ए कॉन्स्टेंट और नॉट। अज्यूम दैट ही हैज़ वर्कड ओनली विथ पॉजिटिव एक्स एंड नो अदर फोर्स एक्टेड ऑन द पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग को क्या क्या पता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता है कि फोर्स इतना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, माइनस के रूट एक्स। ठीक है, एक सेकेंड, थिकनेस थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं। ओके, फोर्स इतना लग रहा है ना। अब इसमें ये नहीं बोला गया, अब यूजुअली एस एच एम का इक्वेशन देखते हैं, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स में के कॉन्स्टेंट रहता है ना हमेशा, ठीक है, तभी एस एच एम कहलाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में के बारे में नहीं बोला गया कॉन्स्टेंट, लेकिन मतलब जब तक आपको एफ इक्वल टू माइनस के एक्स दिया हुआ है लेकिन के कॉन्स्टेंट नहीं बोला नहीं गया है, या के कॉन्स्टेंट के बारे में बताया नहीं गया, तब तक एस एच एम अज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है ना। जब तक बताया ना जाए, जब तक आप कन्फर्म ना हो के कॉन्स्टेंट है, तभी आप एस एच एम उसको अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अज्यूम क्या होगा, एस एच एम होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको सिंपली ये बोलूँ एफ इक्वल टू माइनस फाइव एक्स, तभी एस एच एम है। लेकिन एफ इक्वल टू माइनस ए एक्स, जहाँ पे ए के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि यह कॉन्स्टेंट है कि नहीं, तब वो एस एच एम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ए कॉन्स्टेंट है कि नहीं। ठीक है, तो वैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एफ इक्वल टू माइनस के रूट एक्स दिया हुआ है, के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। ठीक है, लेकिन हमें ये बोला गया कि एस एच एम कर रहा है पार्टिकल। ठीक है, हमें ये बोल दिया कि एस एच एम कर रहा है। अगर एस एच एम कर रहा है तो एस एच एम का डेफिनेशन यही होता है कि फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स सम पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। ठीक है, जैसे पॉजिटिव कॉन्स्टेंट कुछ भी ले सकते हो, सपोज मैं 10 ले रहा हूँ, टाइम्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन विच इज़ एक्स। ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। चलो, तब ये चीज़ के बराबर होना चाहिए, आप 10 का वाली 20, 30, 40 कुछ भी ले सकते हो, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर यहाँ पे ले, लेकिन सामने माइनस होना चाहिए क्योंकि एस एच एम कर रहा है। ठीक है ना, ये बिकॉज एस एच एम कर रहा है इसलिए लिया ऐसा। 10 के लिए कुछ भी ले सकते थे, मैं 10 लेके आपको खाली क्वेश्चन सॉल्व करने से मैं 10 ले लिया, ठीक है ना। अब अगर इन दोनों को इक्वेट करें, क्योंकि दोनों इक्वल ही है, फोर्स का एक्सप्रेशन बच्चा ने ये बोला और हमें पता है एस एच एम हो रहा है, तो हम लोग ये बोल रहे हैं ना 10 के लिए कुछ भी ले सकते हो आपका मन। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं के इज़ इक्वल टू 10 टाइम्स रूट एक्स। ठीक है, और एक्स हमेशा पॉजिटिव है, ध्यान देना है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं स्क्वायर रूट का। ठीक है ना, तब आपको चार ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन में हमेशा बोला गया है एक्स इंक्रीज करने पे के पे क्या होगा, है ना। तो यहाँ से दिख ही रहा आपको कि अगर एक्स को इंक्रीज़ करोगे तो के भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो एज एक्स इंक्रीज के इंक्रीज, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, समझ में आई बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल सॉरी द टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वल टू टाइम पीरियड बिटवीन अपियरेंसेस बिटवीन कंजिक्यूटिव अपियरेंसेज ऑफ द पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन इट्स मोशन दिस पॉइंट इज। ठीक है, अब आपको बोल दिया कि एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड किसके बराबर है ये पूछा गया है ना। तो और आपको बोल भी दिया गया है कि वो जो टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग, वो जो मतलब कि टाइम पीरियड का एक ही डेफिनेशन होता है जो आप समझे हो, ठीक है, वो जो टाइम पीरियड है दैट इज इक्वल टू, मतलब टाइम पीरियड इज इक्वल टू वॉट, है ना। और वॉट के बारे में कुछ बताया गया क्या कि कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव मतलब जैसे कोई चीज़ मतलब कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, ठीक है, बताऊंगा एग्जांपल से। कंजिक्यूटिव अपियरेंसेस ऑफ द पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन इट्स मोशन, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पे एक एस एच एम, कोई भी एस एच एम वाला चीज़ ले सकते हैं, सपोज़ मैं स्प्रिंग ब्लॉक ले रहा हूँ, ठीक है, ये तो एस एच एम करता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ सरफेस में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जो कि एस एच एम करता है, हमें पता है। ठीक है, ठीक है, तो मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ के बीच में एस एच एम कर रहा है, ठीक है, ये मेन पोजिशन है। ठीक है, कोई भी आप एस एच एम करने वाला सिस्टम ले सकते हो, मैं स्प्रिंग ब्लॉक लिया है ना। ठीक है, तो इसमें से अब जो चार ऑप्शंस है उसी को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है इसके मोशन में, है ना। जो ऑप्शन दिया मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन में मान लो आपने इसको देखा कभी है, इधर जा रहा है ना, तो मीन पोजीशन में इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। कंसेक्यूटिव मतलब दोबारा कब मीन पोजीशन में आएगा, तो यहाँ से जब यहाँ पहुँचेगा फिर वापस आएगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ से यहाँ के बीच में कैसे गया, यहाँ से यहाँ गया है और यहाँ से यहाँ आया है, ये वन टाइम पीरियड क्या है, वन टाइम पीरियड में तो एक साइकिल ख़त्म होता है, इसको बोलते हैं वन टाइम पीरियड। जैसे यहाँ से आप देखना स्टार्ट किया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, ये एक साइकिल है। एक साइकिल समझ समझ में आ रहा है ना, मतलब हर एक पॉइंट को दो दो बार क्रॉस कर रहा है, उसको बोलते हैं एक साइकिल, ठीक है। हर एक पॉइंट को दो दो बार क्रॉस कर, बीच वाले पॉइंट को, एक्सट्रीम को ना, हर एक पॉइंट को दो दो बार क्रॉस कर, उसको बोलते हैं
एक साइकिल, जैसे अगर कोई पार्टिकल के लिए एस एच एम यहाँ से, ये एक्सट्रीम पोजिशंस है, तो कहीं से भी हो सकता है आपका वो चीज़, क्या बोलते हैं, एक साइकिल, जैसे एक साइकिल ऐसे भी हो सकता है, यहाँ से आप देख रहे हो तो ऐसे ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे, ये भी एक साइकिल है, ठीक है, उल्टा भी ले सकते थे, वैसा कुछ नहीं है, कहीं से भी एक साइकिल हो सकता है, समझ में आ रही बात। और वैसे तो एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, लेकिन मैं दिखाने के लिए आपको कि कितना बार पॉइंट को क्रॉस करो, वैसे करें तो आप कोई पॉइंट को देखोगे दो बार क्रॉस करें, एक बार इस तरफ जाते हो, एक बार इस तरफ जाते हो, किसी भी पॉइंट को देखोगे, ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ भी देखो दो बार क्रॉस कर रहा है ना, ठीक है ना, तो इस तब बोलते इस ये पूरा चीज़, ये पूरे टाइम को जिसने पार्टिकल यहाँ से वापस यहाँ में आएगा, उसको एक टाइम पीरियड बोलते, ठीक है ना। तो अब मेन पोजिशन तो एग्जैक्टली हाफ टाइम पीरियड में क्रॉस कर रहा है ना, देखो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से, तो मेन टाइम के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग को ड्रॉ करना है ना, तो कुछ ऐसा होगा, मेन टाइम के करस्पॉन्डिंग ऐसा होगा, ऐसे गया बस, ये तो एक टाइम पीरियड नहीं, ये तो हाफ ऑफ द टाइम पीरियड है, ठीक है, तो ऑप्शन वन नहीं हो सकता। एंड एक्सट्रीम पोजिशन, एक्सट्रीम पोजिशन वाला देखते हैं, कंसिक्यूटिव है ना, तो एक्सट्रीम पोजिशन से आप अगर मोशन देख रहे हो तो वापस उसको एक्सट्रीम में पहुंचना है ना, कंसिक्यूटिव है ना। एन एक्सट्रीम पोजिशन बोला है, मतलब जिस एक्सट्रीम पोजिशन से आप देखना स्टार्ट किया वहीं पे वापस गया, ठीक है ना, ये तो एक टाइम पीरियड है, क्योंकि एक साइकिल ख़त्म हो गया, दिख रहा है ना पूरा, एक साइकिल ख़त्म हो गया, तो ये होगा बिटवीन मीन पोजिशन एक्सट्रीम पोजिशन, तो मीन और एक्सट्रीम के बीच में कोई भी एक पोजिशन ले लो, है ना। तो जैसे मैं सपोज ये वाला पोजिशन ले रहा हूँ, मीन और एक्सट्रीम के बीच में ये वाला पोजिशन, ठीक है, ये मीन पोजिशन है, एक्सट्रीम पोजिशन, उसके बीच में कहीं भी ले सकते हो, मैं ये ले लिया है ना, तो कंजिक्यूटिव क्रॉसिंग है। तो अगर सपोज इस तरफ जा रहा है, यहाँ से टर्न लेगा, तो ये तो कंजिक्यूटिव क्रॉसिंग हो गया, यहाँ से आप देखना स्टार्ट किया तो वापस यहाँ पहुँच गया, लेकिन एक टाइम पीरियड कहाँ है, ठीक है। अगर उल्टा डायरेक्शन भी देखना स्टार्ट करते तब भी नहीं होता, जैसे इस तरफ जाने स्टार्ट किया मान लो, ये भी एक साइकिल कहाँ हो गया, वापस तो वहाँ पहुँच गया, मतलब जब भी जहाँ से आप देखना स्टार्ट किया वापस वहाँ पहुँच गया, तो फिर घड़ी में देखना है कि एक टाइम पीरियड के बराबर टाइम बीता है कि ना, अगर बीता होगा तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। और लास्ट में बिटवीन मीन पोजिशन एंड एंड द नेगेटिव एक्सट्रीम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता पॉजिटिव एक्सट्रीम लो या नेगेटिव एक्सट्रीम लो, ठीक है, हम लोग तो नेगेटिव एक्सट्रीम लेके, मैं आपको दिखा दिया ऑप्शन सी, डी में भी वही होगा, ठीक है ना, मैं थोड़ा ग्राफ उधर से बनाएंगे बस, तो इसमें खाली बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। द टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट टाइम बिटवीन द पार्टिकल एक्वायरिंग अ पर्टिकुलर वेलोसिटी वी, ठीक है। फिर से यहाँ पे बोला गया है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट टाइम बिटवीन द पार्टिकल अक्वायरिंग अ पर्टिकुलर वेलोसिटी वी, तो वी का वैल्यू क्या होना चाहिए। अब देखो यहाँ वेलोसिटी दिया हुआ है, यहाँ वैल्यू ऑफ वी पूछा है, मतलब वी के ऊपर वेक्टर साइन नहीं है ना, मतलब स्पीड का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है, यानी स्पीड पूछा है, ठीक है ना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि टाइम पीरियड इज द स्मॉलेस्ट टाइम बिटवीन द पार्टिकल एक्वायरिंग अ पर्टिकुलर वेलोसिटी वी, ठीक है ना, अक्वायरिंग है ना, तो आपसे पूछा है वी का वैल्यू क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, जैसे मान लो किसी इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट टाइम पार्टिकल एक्वायरिंग पर्टिकुलर वेलोसिटी द वैल्यू ऑफ वी, ठीक है, तो आपको एक ऐसा वेलोसिटी खोजना है, ठीक है, जिसको अक्वायर करने में जो टाइम लगता है दैट इज इक्वल टू द टाइम पीरियड, है ना, ऐसा एक वेलोसिटी खोजना है, ठीक है ना, ठीक है। चलो फिर से सपोज ये मीन पोजिशन है और ये दोनों एक्सट्रीम पोजिशन है, ठीक है, मान लो मीन पोजिशन एक्स इक्वल टू जीरो पे है, आप कहीं भी मान सकते हो, मैं वहाँ पे मान रहा हूँ, ठीक है। तो कौन कौन सा, मतलब देखो स्पेशल पॉइंट्स यहाँ पे क्या है, वी मैक्स, जैसे ऑप्शन को ही देख के हम लोग देखते हैं क्या क्या है, वी मैक्स, वी मैक्स कहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है वी मैक्स, ठीक है, लेकिन एक बार इस तरफ भी हो सकता है, एक बार इस तरफ भी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोग तो खाली मैग्नीट्यूड से मतलब है, मैग्नीट्यूड वी मैक्स वाला कहाँ पे होता है, मीन पोजिशन में, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए में मीन पोजिशन है। अब देखो उसका वेलोसिटी का बात हो रहा है, ठीक है ना, तो अब अगर आप वी मैक्स को देखना चाहते हो, मान लो कि है वी मैक्स का वैल्यू कितना है, 10, ठीक है, तो अब उसका 10 ये वाला स्पीड उसका दो बार आएगा पूरे मोशन में, दो ही बार आएगा ना, एक साइकिल में सिर्फ दो बार ये वाला स्पीड आएगा, देख लो, जैसे आप यहाँ से मोशन देखना स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर घूमेगा और फिर यहाँ, ये एक साइकिल है, इस एक साइकिल में कितनी बार उसका 10 का स्पीड आया, दो बार आया, एक बार जब यहाँ पे होगा तब 10 का स्पीड आया होगा, और एक बार जब यहाँ पे होगा तब 10 का स्पीड आया होगा, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड सिर्फ एक बार आया है। जब मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ, समझो जब मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है ना, तो 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट एक ही बार आया है, वैसे 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट भी एक ही बार आया है, तो चाहे वी वेलोसिटी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट लो या लेफ्ट लो, वो एक ही बार आया है, ये समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यही वो वेलोसिटी होगा जो पूरे टाइम पीरियड में सिर्फ एक बार आ सकता है,
या तो इसको बोलो या तो इसको बोलो, बाकी सब वेलोसिटी दो बार आ सकते हैं। आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे यहीं पे हम लोग एक वेलोसिटी चूज कर, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे, ऑफ कोर्स यहाँ 10 है, इसमें तो 0 होगा एंड में, तो यहाँ पे 10 और 0 के बीच में कुछ होना चाहिए, है ना। मान लो यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड, मान लो, ठीक है ना। अब 8 मीटर पर सेकेंड सिर्फ एक बार नहीं आएगा, पूरे साइकिल में दो बार आएगा। देखो एक बार तो इधर में आया, जैसे आपको दिखाता हूँ, यहीं पे दिखाता हूँ एक अलग बना के, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन से ये वाला और ये वाला, ठीक है। थोड़ा ड्राइंग ख़राब हो गया, माइंड मत करना, ठीक है ना। अभी 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे स्पीड है, चलो वाइट से दिखाते हैं इसको। यहाँ पे स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 8, है ना, ठीक है। अब ऐसे गया है यहाँ से, क्योंकि हम लोग ऐसे देखने स्टार्ट किए, तो आप कहीं से भी देखने स्टार्ट को फ़र्क नहीं पड़ता। जब यहाँ पहुँचेगा तो सेम वेलोसिटी नहीं है ना, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट था, यहाँ पे 8 मीटर पर टुवर्ड्स लेफ्ट है, ठीक है। यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, है ना। लेकिन आपको ये पता है, मान लो कि ये वाला लेंथ मीन पोजिशन से, ये सपोज 5 सेंटीमीटर दूर है मीन पोजिशन से, ठीक है। तो इस तरफ भी 5 सेंटीमीटर दूर में जो लोकेशन होगा, कोऑर्डिनेट होगा, वहाँ पे भी उसका स्पीड 8 होता चाहिए, क्योंकि हमें पता है मीन पोजीशन के अबाउट सिमेट्रिक करता है मोशन, है ना। तो मीन पोजीशन से 5 सेंटीमीटर राइट के तरफ अगर 8 मीटर पर सेकेंड, तो लेफ्ट की तरफ भी 8 मीटर पर सेकेंड होगा। तो यहाँ जब पहुँचा होगा तो फिर से 8 मीटर पर सेकेंड होगा। लेकिन अब देखो, जब ऐसे घूम के यहाँ पहुँचेगा तो फिर से 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो आप देख सकते हो एक साइकिल में, ये तो पूरा एक साइकिल है, एक साइकिल में 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट दो बार आया है, वैसे 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट भी दो बार आया है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी की बात करें तो 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट ये एक वेलोसिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है ना। तो ये दो बार अकर कर रहा है आपके किस में, एक टाइम पीरियड में, ठीक है। वैसे 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट ये भी दो बार अकर कर रहा है आपके टाइम पीरियड में, है ना। लेकिन जैसे 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, ये तो सिर्फ एक ही बार हो रहा है, वन, इट अकर्स ओनली वंस, ये ऐसा अटेन कर पाता है बॉडी ओनली वंस ड्यूरिंग द टाइम, ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड, ठीक है। तो यानी अगर आप ये बोल दोगी कि 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट ये वेलोसिटी अभी है, और फिर इस मोमेंट से लेकर नेक्स्ट मोमेंट तक, जब तक इसके वापस 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट नहीं आएगा, तब तक टाइम पीरियड, अमाउंट ऑफ टाइम नहीं बीतेगा, तो आप सही है। क्योंकि अभी अगर ये वेलोसिटी है तो नेक्स्ट वापस ये वेलोसिटी एक टाइम पीरियड के बाद ही आएगा। जैसे अभी इतना है 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, वापस 10 मीटर पर सेकेंड आएगा, लेकिन टुवर्ड्स राइट नहीं आएगा, लेफ्ट आएगा, और फिर जब पार्टिकल वापस यहाँ पहुँचेगा तभी आएगा। क्लियर है ना, ठीक है ना। तो एक टाइम पीरियड में एक ही बार आ रहा है, समझ में आ रही बात। यानी दिस इज करेक्ट, ऑप्शन ए होना चाहिए, ठीक है। बी जीरो, जीरो वाला स्पीड तो आपको दो बार दिख जाएगा एक टाइम पीरियड में, है ना, क्योंकि जैसे इस एक्सट्रीम पे जीरो है, इस एक्सट्रीम पे भी जीरो है, तो ऑफकोर्स यहाँ से यहाँ के बीच में एक टाइम पीरियड नहीं बिता, आधा टाइम पीरियड बिता है, तो ये नहीं हो सकता। बिटवीन जीरो एंड वी मैक्स वो तो दिखा दिया 8 मीटर पर सेकेंड वाला ने, बिटवीन जीरो एंड माइनस, ये भी तो एक ही चीज़ है, ठीक है, क्योंकि स्पीड की बात हो रही थी। ओके, क्वेश्चन 4 में द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड इज, वन टाइम पीरियड में डिस्प्लेसमेंट क्या है, बाय डेफिनेशन जीरो है। वन टाइम पीरियड मतलब ही वही होता है कि सेम वेलोसिटी, सेम पोजीशन, हर चीज़ सेम हो जाए, आपको एग्जैक्टली हर चीज़ सेम दिखे, उसको हम लोग बोलते हैं वन टाइम पीरियड, ठीक है। तो जीरो हो जाएगा, है ना। द डिस्टेंस मूव बाय पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस मूव करता है, ठीक है। तो कोई भी एक टाइम पीरियड का आप वो ले लो, मतलब क्या बोलेंगे इसको, कोई भी एक वाइट से ड्रॉ करते हैं, ज़्यादा अच्छा विजिबिलिटी होगा। जैसे वो मीन पोजीशन से देखना स्टार्ट किया, कहीं से भी देखना स्टार्ट कर सकते हो, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे एक टाइम पीरियड है ना, ठीक है, मीन पोजीशन से देखना स्टार्ट किया हम लोग, है ना, आप कहीं से भी देख सकते हो, याद रखना। मीन पोजीशन से ड्रॉ करना मुझे आसान लगता है, इसलिए मैं ड्रॉ करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस चला है, ए, इसको तो ए बोलते हैं ना, ए ए ए ए, 4a चला है, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस चला है, 4a। ओके, द एवरेज एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड इज इक्वल टू, अब एवरेज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कितने टाइम के लिए पूछा एवरेज एक्सेलरेशन, इन वन टाइम पीरियड, ठीक है। तो आपको चेंज इन वेलोसिटी देखना है इन वन टाइम पीरियड, है ना। अब बाय डेफिनेशन वन टाइम पीरियड मतलब हर चीज़ वैल्यू सेम हो गया, समझ में आ रही बात। जैसे अभी जो भी वैल्यू होगा पोजिशन का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, एक टाइम पीरियड के बाद फिर से पोजिशन का वही वैल्यू होगा, फिर से एक्सेलरेशन का वही वैल्यू होगा, फिर से पोजिशन का वेलोसिटी का वही वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर वन टाइम पीरियड जीरो, क्योंकि बाय डेफिनेशन चेंज इन वेलोसिटी ओवर वन टाइम पीरियड जीरो रहता है,
ठीक है, तो जीरो रहेगा। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, वैसे एक टाइम पीरियड, ये एक टाइम पीरियड का है, ठीक है, सपोज यहाँ पे वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। एक टाइम पीरियड के बाद फिर से आप देखोगे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट है, तो फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है और बी कॉस ओमेगा टी है, ठीक है। अब इसको अगर आप दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स से आपको वी मिल जाएगा, एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, साइन का ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी और माइनस ओमेगा बी साइन ओमेगा टी, ठीक है, और दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो देख लेना वापस यही आ जाएगा, है ना, यही मतलब ब्रैकेट वाला टर्म एक्स के ही बराबर है, ठीक है। तो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया, तो जब भी ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाए तो तुरंत एस एच एम मत बोल देना, ठीक है। एक चीज़ आपको ये प्रूफ करना होगा, मतलब एस एच एम में होता है ये चीज़, अगर होता है तो एस एच एम तभी होगा अगर ए एक्सेलरेशन डिनोट कर रहा है, जो कि कर रहा है इस केस में, क्योंकि हम लोग पोजिशन को दो बार डिफ्रेंशिएट किए, ये एक पॉजिटिव नंबर हो जो कि है, ठीक है, ओमेगा चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ओमेगा स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा, और ये होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन, ये होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन, ठीक है। मीन पोजीशन मतलब जहाँ पे आपका एक्सेलरेशन जीरो है ना, या जहाँ पे आपका नेट फोर्स जीरो, उसी को मीन पोजीशन बोलते हैं, तो वहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट नापना होना चाहिए, ठीक है, एक्स होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीन पोजीशन, है ना। अब सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीन पोजीशन ये चीज़ सेंस तभी बनाएगा जब मीन पोजीशन एग्जिस्ट करता हो, यानी जब भी आप ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो कल ये प्रूफ कर देना कि ये वाला चीज़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीन पोजीशन है, ठीक है, तब आपका काम बन जाएगा ना। तो हम लोग कल ही पहले ये प्रूफ करते हैं मीन पोजीशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है ना। मीन पोजीशन एग्जिस्ट करने के लिए आपका नेट फोर्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए किसी ना किसी पोजीशन पे, जिस भी पोजीशन पे होगा उसको मीन पोजीशन बोलेंगे, और नेट फोर्स जीरो होगा जब एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, जब एक्स जीरो होगा, क्योंकि ओमेगा जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ओमेगा जीरो होगा तो फिर क्वेश्चन का मतलब नहीं है, ओमेगा जीरो हो गया तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म वन हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा, एक्स इक्वल टू बी, बी एक कॉन्स्टेंट है, तो एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा तो पार्टिकल तो रेस्ट पे एक पर्टिकुलर लोकेशन में, फिर क्वेश्चन कुछ सेंस नहीं बनाएगा ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते रहे ओमेगा जीरो नहीं होगा, तो एक्स ए कब जीरो होगा, जब एक्स जीरो हो, ए मतलब एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, जब एक्स जीरो हो, और एक्स जीरो कब होगा, जब ये चीज़ जीरो हो, ठीक है। अब ये चीज़ जीरो होती है क्या, हाँ हो सकती है ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी जीरो हो सकती है, हाँ ज़रूर हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ जीरो होने के लिए एक्स का वैल्यू को जीरो पुट कर दो ना, देखो ये कब जीरो होता है, ठीक है, तो यहाँ से कभी ना कभी तो जीरो हो ही जाएगा, कब जीरो होगा, जब टेन ओमेगा टी इक्वल टू साइन बाय कॉस माइनस बी बाय ए, ठीक है, हाँ ऑफकोर्स जब ये कंडीशन फुलफिल होगा तब ये जीरो होगा, ऑफकोर्स इसका सोल्यूशन को सोल्यूशन आ ही जाएगा ना, टेन ओमेगा टी इक्वल टू सम नेगेटिव नंबर, इसे टी का कुछ कुछ वैल्यू आ ही जाएगा, ठीक है, यानी एक्स जीरो हो रहा है कभी ना कभी, एक्स जीरो हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो हो रहा है, मतलब मीन पोजीशन एग्जिस्ट करता है, तो एक बार आप प्रूफ करिए कि मीन पोजीशन एग्जिस्ट करता है तब वो ये हो जाएगा कि हाँ ये सचम होगा, ठीक है। अगर ये मेथड लंबा लगा तो मैं दूसरा मेथड यहाँ बताता हूँ, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इसको यहाँ पे थोड़ा जगह बनाते हैं हम लोग, तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक सेकेंड, ये कैसे जगह बना है वो आ नहीं रहा है स्लाइड करने वाला, ठीक है यहाँ पे हो जाएगा काम, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस एक्स इक्वल टू ए साइन, या इसी को मिटा देते हैं ना, ये पार्ट तो आप समझ गए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब जो मैथ्स के बच्चे हैं उनको पता है कि इस पूरे चीज़ को हम लोग, या जो बायो के बच्चे हैं या बहुत बार देखोगे इसलिए मैं दिखा देता हूँ एक बार, इस चैप्टर में ऊपर नीचे अगर इसे डिवाइड कर दें, ऊपर नीचे क्या डिवाइड कर दे इससे और मल्टीप्लाई भी कर दे इससे, ठीक है, तो ऑफकोर्स इस वाले टर्म को अगर हम लोग कुछ नाम दे, सपोज इसको कॉस अल्फ़ा नाम दे रहे, तो कॉस अल्फ़ा साइन ओमेगा टी, तो इसको नाम देना पड़ेगा साइन अल्फ़ा, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इक्वल टू वन है,
ठीक है, दो नंबर्स का स्क्वायर का सम अगर वन है और ये नंबर भी हमेशा मैग्नीट्यूड में वन से कम रहेगा, देख लो, क्योंकि ऊपर वाला का स्ट्रेंथ कम है नीचे वाले से, क्योंकि बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट रहेगा तब बी के बराबर, लेकिन बी स्क्वायर में कुछ ऐड करके स्क्वायर रूट ले रहा तो ऑफकोर्स बी से बड़ा आएगा वो चीज़, है ना। तो ये चीज़ का स्ट्रेंथ भी वन से कम है या मैग्नीट्यूड वन से कम, इसका स्ट्रेंथ वन से कम है या मैग्नीट्यूड वन से कम है, तो दोनों का स्क्वायर का सम भी वन के बराबर, मतलब साइन अल्फा कॉस अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि साइन और कॉस का मैग्नीट्यूड भी वन से कम रहता है और उनका स्क्वायर का सम भी वन के बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसा आया, अब ये साइन ए कॉस भी कॉस ए साइन भी है, तो साइन ए प्लस बी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने इस चीज़ को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और साथ में ये भी है, सॉरी ये चीज़ भी है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, साथ में ये भी है। तो यानी अब देखो ना, अब दिख ही रहा है आपको, ऐसा चम है जिसमें एम्पलीट्यूड इतना है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सिंपल हैंड मोशन विद एम्पलीट्यूड रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दूसरा मेथड आपको ज़्यादा ईजी लगेगा, बहुत लोग को लगता है, लेकिन पहला मेथड में भी दिखाया है, क्योंकि उससे भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप जी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो मोशन ऑफ द पार्टिकल क्या है, ठीक है। तो फिर से ये भी ऊपर वाला टाइप के जैसा ही है, इसको भी आप डिफरेंशिएट करोगे, तो आर को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वी आ जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ए ओमेगा आई साइन ओमेगा टी प्लस जे कॉस ओमेगा टी, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएट करें अगर हम लोग इसको, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर ए लिखते हैं, आसान होगा मेरे लिए बाद में समझाना, तो या माइनस आई कॉस ओमेगा टी प्लस प्लस ने माइनस जे साइन ओमेगा टी, ठीक है। अभी माइनस को अगर बाहर ले ले, पहले बार में माइनस आया था क्या साइन का, ओके यहाँ माइनस आ जाएगा, कॉस का माइनस माइनस प्लस, ठीक है, दूसरे बार में यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये सही कर रहा हूँ ना मैं, फिर माइनस को कॉमन लेना चाहिए क्या, ओवरऑल सेम चीज़ आना चाहिए था ना, आई आपको दे देगा, अरे मैं ये मतलब का हार्ड कर रहा हूँ इसको, ठीक है, माइनस प्लस फिर प्लस प्लस, हाँ ठीक है सही है, ठीक है, देख लेना, चेक कर लेना, मैं माइनस में गलती कर रहा था, ये चीज़ आ गया। तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ये जो चीज़ नंबर आया है, ये फिर से आप देखोगे तो आर वेक्टर ही है, ठीक है। तो फिर से आप बोलोगे अरे एक्सेलेरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू, एक्सेलेरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू, और ऊपर से एक नेगेटिव कॉन्स्टेंट है मतलब माइनस के बाद जो नंबर वो पॉजिटिव है, तो आपको लगेगा एस एच एम है, लेकिन फिर से ध्यान देना कि एस एच एम होने के लिए एक्सेलेरेशन कभी ना कभी जीरो होना पड़ेगा, और एक्सेलेरेशन यहाँ पर भी कभी ना कभी कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका आर वेक्टर कभी जीरो नहीं हो पाएगा, है ना। दिस कैन नॉट कि दिस कैन नेवर टेक जीरो वैल्यू, ठीक है। तो अगर ये जीरो वैल्यू नहीं ले सकता तो आपका एस एच एम है ही नहीं, है ना। अगर एस एच एम नहीं है तो क्या है, चलो देखते हैं। तो आर इक्वल टू ये वाला चीज़ है, तो अगर इसमें एक्स कॉम्पोनेंट पूछे आर का, है ना, आर वेक्टर को तो हम लोग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखते हैं, ठीक है, जेड भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जेड वाला पार्ट नहीं, इसलिए खाली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वाला पार्ट लिख रहे हैं। तो ए कॉस ओमेगा टी आई कैप है, ब्रैकेट खोलेंगे तो, और ए साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है, यानी एक्स का वैल्यू इतना है, वाई का वैल्यू इतना, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी है और वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या तक ना क्वेश्चन बन चुका है, नहीं क्वेश्चन नहीं बना है अभी तक, तो एक्स बाय ए का स्क्वायर करेंगे मतलब कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, वैसे वाई बाय ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और कॉस स्क्वायर ऑफ सम एंगल प्लस साइन स्क्वायर ऑफ सेम एंगल वन होता है, ठीक है, और इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब इन दोनों इक्वेशन इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को स्क्वायर करके ऐड करो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये तो सर्कल का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो ये सर्कल में चल रहा है पार्टिकल, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू पोजिशन आ रहा है, लेकिन एस एच एम नहीं है, क्योंकि इस केस में भी मीन पोजीशन एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, ऐसा कोई पोजीशन है ही नहीं जहाँ पे आपका वो चीज़ जीरो होगा, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स आप ये बोल सकते हो, यहाँ पे आर वेक्टर जो है, अगर ये चीज़ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होता तब जाके ऐसा चम होता, लेकिन मीन पोजीशन एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि कभी भी एक्सेलेरेशन जीरो हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो अगर मीन पोजीशन एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा तो ऐसा चम हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 9 में पार्टिकल मूव्स ऑन एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक विद एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड के बारे में पूछा गया है,
तो इसको x माइनस ए इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी है ना। अब ऑफ कोर्स ये चीज़ वेरिएबल है, x तो वेरिएबल होगा, एक वाले कांस्टेंट। अब इसको ये सब क्वेश्चन में याद रखना, हम लोग जगह बचा रहे हैं, यहाँ पे और लिख सकते थे वेयर कज़ूम एन बी एन ओमेगा आर कांस्टेंट वगैरह, वो सब लिखे नहीं बस, लेकिन हम लोग को मान लो सब कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। एक्चुअल एग्जाम जो रहेगा उसमें लिख दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान ले रहे हो सब होगा ही, अदरवाइज क्वेश्चन को मतलब नहीं है। एक्स माइनस ए तो ये चीज़ ऑफकोर्स एक वेरिएबल है, इसका कुछ नया नाम दे देते कैपिटल एक्स मान लो, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी। अरे ये तो एसएचएम का इक्वेशन है, ठीक है, पोजिशन इज इक्वल टू बी साइन मतलब एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। एसएचएम का जनरल इक्वेशन क्या होता है एसएचएम का, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसी फॉर्म का तो रहता है, ठीक है, यहाँ पे फाइव जीरो है बस, है ना, और कांस्टेंट ए का बदली बी है बस, ये तो एसएचएम है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा बी, यही एम्पलीट्यूड है, समझ में आ रहा, इसी को तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं, आप एसएचएम के फॉर्म में लिख दो उसी को एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। अगर आपको देखना है कि नहीं सर फील नहीं आ रहा क्वेश्चन में दिखाए, तो ये मान लो एक्स इक्वल टू ए है, ठीक है, ये वाला पोजिशन क्या एक्स इक्वल टू ए, यही मीन पोजिशन है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। इससे पहले अधिकतर क्वेश्चन में 99% क्वेश्चन में क्या होता है एसएचएम में, मीन पोजिशन ओरिजिन पे रहता है, यहाँ पे नहीं है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसमें कोई भी आप पोजिशन देख रहे हो, मान लो ये है एक्स इक्वल टू एक्स, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन, इस पोजिशन पर अगर पार्टिकल है तो मीन पोजिशन से कितना डिस्प्लेस्ड है वो एक्स माइनस ए, ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इन टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, यही तो होता है एसएचएम का इक्वेशन, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है ना, समझ में आया इनको क्या किए, ठीक है ना। ओके, फिगर गिव्स टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, सॉरी फिगर रिप्रेजेंट्स टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो पैरामीटर विच हैज डिफरेंट वैल्यूज इन द टू मोशन इज, अब देखो ये ए वाला केस जो है ये पूरा एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ऊपर वाला पूरा फिगर, ठीक है, अलग अलग टाइम पे उसको देखा गया है कहाँ कहाँ है ना। तो सबसे पहले मतलब सबसे पहला टाइम पोजिशन मीन पोजिशन पे, कुछ देर बाद देखे तो एक्सट्रीम पे है, कुछ देर बाद देखे तो वापस मीन पे, कुछ देर देखे दूसरे एक्सट्रीम पे, वैसे दूसरा वाला पार्टिकल भी उन सब टाइम्स में उसका लोकेशन दिया हुआ है, मीन पोजिशन दूसरा एक्सट्रीम, मीन पोजिशन पहला एक्सट्रीम एंड सो ऑन, ठीक है। एक सेकेंड वापस, तो समझ में आ गया ना, ये पहला पार्टिकल, ये पार्टिकल ए का है, पार्टिकल बी का है पूरा, ठीक है। तो कौन सा पैरामीटर का वैल्यू डिफरेंट इन द टू मोशंस, तो टू मोशन समझ में आ रहा है ना, किसको किसको टू मोशन बोला जा रहा है, तो ऊपर वाला जो पार्टिकल और नीचे वाला पार्टिकल में क्या चीज़ का फ़र्क है, ठीक है, एम्पलीट्यूड का फर्क है क्या, नहीं, ऊपर वाला पार्टिकल देखो, ऊपर वाला पार्टिकल के लिए डिस्प्ले एम्पलीट्यूड इतना है, नीचे वाला पार्टिकल के लिए भी एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड उतना ही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी किससे आता है, टाइम पीरियड से आता है ना, फ्रीक्वेंसी इज वन बाय टाइम पीरियड, ठीक है, लेकिन टाइम पीरियड दोनों का सेम है, देख लो, इसको मीन पोजिशन, जब ये मीन पोजिशन था ये भी मीन पोजिशन में था, ठीक है, इसको मीन से एक्सट्रीम जाने में जितना टाइम लगा, इसको ही मीन से एक्सट्रीम जाने उतना ही टाइम लगा, वो अलग बात है, ये एक एक्सट्रीम के दूसरे एक्सट्रीम के उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये सिंपली देखो, इसका एक साइकिल फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, फिर वापस मीन से दूसरा एक्सट्रीम, ठीक है ना, इस सब में जिसका इसका जितना टाइम लगा, मतलब मीन से एक्सट्रीम जाने में कितना का फेज डिफरेंस आता है, मीन से एक्सट्रीम जाने में पाई बाय 4 का फेज डिफरेंस आता है, ठीक है। तो इसका ही मीन से एक्सट्रीम जाने पाई बाय 4 का ही तो फेज डिफरेंस आएगा, और उसमें दोनों को सेम टाइम लग रहा है, क्योंकि मीन से एक्सट्रीम जाने में इसको इतना टाइम लग रहा है, मीन से एक्सट्रीम जाने में इसको भी उतना ही टाइम लग रहा है मीन से एक्सट्रीम जाने में, ठीक है, समझ में आई बात। तो अगर दोनों का टाइम पीरियड सेम है, दिख रहा ना आपको टाइम पीरियड सेम है, जब दोनों मीन पे है, एक साथ मीन पे है, सपोज घर में 12 बज रहे, फिर ये मीन से एक एक्सट्रीम पहुंचा और दूसरे एक्सट्रीम पहुंच गया, फिर से घर में मान लो 1 बज रहे, तो 1 बजे ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, लेकिन इसको देखा जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है इस 1 घंटे में, इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है इस 1 घंटे में, ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड या दोनों का फेज डिफरेंस तो सेम ही है ना, मतलब फेज का फर्क तो सेम ही है ना, इसका भी पाई बाय 4 का चेंज आया है, इसका ही पाई बाय 4 का चेंज आया है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा क्योंकि टाइम पीरियड सेम है, फेज सेम है क्या दोनों का, नहीं फेज सेम नहीं, फेज मतलब ही वही होता है एक साथ चलना, ठीक है, दिखाता हूँ मैं फेज मतलब क्या होता है। जैसे ये एक एसएचएम करने वाला पार्टिकल है और ये दूसरा एसएचएम करने वाला पार्टिकल है, ठीक है, तो अगर दोनों सेम पोजिशन पे है और दोनों का सेम वेलोसिटी भी है ना, तब हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों का फेज सेम है, नहीं ये भी गलत है, सेम पोजिशन पे है एट ऑल इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, तब हम लोग बोलते हैं फेज सेम है,
तो फेस सेम है इफ दे आर इन द सेम पोजिशन एट सेम ऑल सॉरी अरे मतलब सेम पोजिशन भी नहीं, वो लोग सेम टाइम में मीन पोजिशन पहुंचे, सेम टाइम में सेम एक्सट्रीम पोजिशन पहुंचे, ठीक है ना, तो मतलब उसको फेस बोलते हैं सेम, है ना। तो इसको वेव मोशन दिखाना ज़्यादा आसान है जैसे, या सर्कुलर मोशन दिखाना ज़्यादा आसान है जैसे एक पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा है ना। इससे पहले मैं दो तीन बार जो बोला हर बार गलत गलत निकल गया, जैसे मैं बोलना चाहता हूँ जैसे एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है, एक दूसरा पार्टिकल बड़े सर्कल में घूम रहा है ना। अब देखो फेज मतलब क्या है, अगर दोनों सेम एंगल बना रहा है मतलब तब फेज में, ठीक है। जैसे जब ये पार्टिकल पार्टिकल ए जितने एंगल पे, पार्टिकल बी भी अगर उतने एंगल पे हमेशा, तब सेम फेज पे, ठीक है। फेज मतलब सर्कुलर मोशन से रिलेट करना, ठीक है ना। आप बोलोगे कि सर ये तो SHM, SHM में तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो सर्कुलर कहाँ से आ गया, SHM भी तो सर्कुलर का प्रोजेक्शन ही तो होता है, ठीक है। तो फेज का कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन से आया है इनफैक्ट, ठीक है ना। तो जब पार्टिकल ए यहाँ पहुँचेगा, पार्टिकल बी अगर यहाँ पहुँचे तो ऐसा, मतलब दोनों हमेशा सेम स्ट्रेट लाइन में रहेगा और वो स्ट्रेट लाइन सेंटर के साथ कोइंसाइड करेगा, ठीक है, तब बोलते हैं सेम फेज, है ना। तो अगर इसी चीज़ को SHM के टर्म्स में सोचे तो SHM के टर्म्स में इतना है, सपोज एक पार्टिकल के लिए ये है, एक पार्टिकल के लिए ये है उसका SHM वाला लाइन, ठीक है ना। तो दोनों मेन पोजिशन में एक साथ है, ये जब एक्सट्रीम पहुँचा है ये भी तभी उसी में एक्सट्रीम पहुँचा है ना। फिर समझ में आ रही बात, फिर ये जब वापस मेन पहुँचा ये भी वापस मेन पहुँच गया, और ये जब दूसरा एक्सट्रीम पहुँचा तभी दूसरा एक्सट्रीम पहुँचे, ठीक है। तो टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू मान लो टी बाई फोर, तो ये भी टी इक्वल टू टी बाई फोर पे यहाँ पे, ये टी इक्वल टू टी बाई टू पे यहाँ पहुँचा, ये भी टी इक्वल टू टी बाई टू पे यहाँ पहुँचा, ठीक है। फिर ये टी इक्वल टू थ्री टी बाई फोर पे यहाँ पहुँचा, ये भी टी इक्वल टू थ्री टी बाई फोर पे यहाँ पहुँचा, फिर टी इक्वल टू कैपिटल पे ये वहाँ पहुँचा, ये भी यहाँ पे पहुँचा। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो दोनों का फेस सेम है यहाँ पे, नहीं फेज़ भी सेम नहीं है, तो फेज़ भी सेम नहीं है क्योंकि दोनों मीन पोजिशन में तो एक साथ है, लेकिन एक्सट्रीम सेम एक्सट्रीम पे सेम एक साथ कहाँ पहुँचे, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पहुँचा है और ये नेगेटिव एक्सट्रीम पहुँचा है, ठीक है ना। दोनों को सेम एक्सट्रीम में पहुँचना है सेम टाइम पे, ठीक है, तब फेस सेम होता है। मैक्सिमम वेलोसिटी हो तो सेम है दोनों का, जैसे मान लो इसके लिए मैक्सिमम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, इसके लिए भी 10 ही होगा ना, क्यों, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड तो सेम है, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं टाइम पीरियड सेम है, तो ओमेगा सेम हो गया, ओमेगा सेम है, एम्पलीट्यूड तो सेम दिख ही रहा है आपको, तो ओमेगा और एम्पलीट्यूड सेम है, तो वी मैक्स क्या होता है, ओमेगा इंटू ए, ओमेगा दोनों का सेम है, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी दोनों का सेम होगा, ठीक है। वो अलग बात है, दोनों सेम मैक्सिमम वेलोसिटी सेम टाइम में अटेन नहीं कर रहा है, जैसे इसका जब पॉजिटिव मैक्सिमम वेलोसिटी है, इसका नेगेटिव मैक्सिमम, ठीक है, लेकिन जितना भी इसका पॉजिटिव मैक्सिमम है इसका कभी ना कभी उतना ही आएगा, है ना, उस सेंस में सेम, ठीक है, समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर 11 में द, एक सेकेंड चेक कर रहा हूँ मैं माइक्रोफोन ऑन है कि ना ऑन, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग मास सिस्टम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दिस मच, सपोज द एक्सीलरेटिंग पार्टिकल रिप्लेस बाय अनदर पार्टिकल ऑफ डबल द मास वाइल द एम्पलीट्यूड ए रिमेन्स सेम, ठीक है। तो आपको टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन दे दिया है और बोल दिया है कि ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल को रिप्लेस कर दिए दूसरे पार्टिकल से ताकि मास सेम रहे, रिप्लेस बाय अनदर पार्टिकल और डबल डबल, सॉरी मास डबल हो गया लेकिन एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है। तो न्यू मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, अब भले मैकेनिकल एनर्जी कितना खतरनाक इक्वेशन दिया है ना, अब यहाँ पे कहीं बोला नहीं हम लोग स्प्रिंग को चेंज नहीं किए, मतलब स्प्रिंग को चेंज किए है ना, तो हम लोग मान लेंगे कि स्प्रिंग चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब देखो स्प्रिंग मास सिस्टम में खाली आपको बोला गया मास चेंज किया, स्प्रिंग के बारे में नहीं बोला गया, मतलब आपको अज्यूम कर लेना चाहिए कि स्प्रिंग चेंज नहीं किया, अगर किया रहता तो उसके बारे में बोलता, ठीक है ना। तो खाली मास चेंज किए, तो स्प्रिंग मास सिस्टम के हिसाब से एम ओगे इसको क्या बोलते हैं, के बोलते हैं ना हम लोग, तो टोटल एनर्जी इतना है, ठीक है। अब दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, टोटल एनर्जी तो मास पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो टोटल एनर्जी मास पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो आपको जितना मास चेंज करना है कर लो, ठीक है। ये ए पे डिपेंड कर रहा है बस, और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट पे डिपेंड कर, स्प्रिंग तो चेंज किए नहीं तो के चेंज नहीं हो रहा है, और ए चेंज नहीं किया, क्वेश्चन ने बोल दिया एम्पलीट्यूड रिमेन सेम, ए को चेंज नहीं किए, तो दिस विल रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे नहीं सर लगा, लेकिन अगर इस फॉर्मूला से देखे, आपको बोला नहीं इससे नहीं देखना है, मेरे को तो ऐसे ही देखना है, सर बुर्वक बना दिए, बेवकूफ़ बना रहे, इससे ही देखना है हम लोग को, इससे देखना है, तो देखो हाफ तो चेंज होगा नहीं, हाफ एक कांस्टेंट है, मास को चेंज कर दे, मास डबल का फैक्टर का हो गया, ठीक है। लेकिन आपको ओमेगा ए के बारे में नहीं पता, ए के बारे में पता है, ए तो चेंज हुआ नहीं, तो ए को वैसे ही लिखो, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ओमेगा चेंज हो रहा होगा, और आप देख भी सकते हो ओमेगा क्यों चेंज हो रहा होगा, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में मास एम है, तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के टाइम पीरियड क्या होता है, 2π रूट ओवर एम बाय के, ठीक है, ठीक है। और अगर मास को डबल कर दे तो न्यू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, के वही है
लेकिन मास अगर डबल करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं न्यू टाइम पीरियड इज रूट टू टाइम्स ऑफ ओल्ड टाइम पीरियड, ठीक है, न्यू टाइम पीरियड इज रूट टू टाइम्स ऑफ ओल्ड टाइम पीरियड, है ना। तो टाइम पीरियड जो है वो आपका रूट टू टाइम्स बढ़ गया है, ठीक है। तो ओमेगा के टर्म्स में सोचा जाए, या टाइम पीरियड को क्यों दिखा रहा था, ओमेगा को ही दिखा, ओमेगा क्या होता है, रूट ओवर के बाय एम, ठीक है। तो नया ओमेगा जो मिलेगा आपको वो रूट ओवर के बाय टू एम है, तो नया ओमेगा इज पुराना ओमेगा बाय रूट टू। तो ओमेगा जो है नया वाला जो वैल्यू है वो ये वाला चीज़ है। तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फिर से वही चीज़ आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब ये बोलने का है कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर में आपने एम को डबल किया तो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ ये हो गई, जो जो कंडीशन बोला गया था, स्प्रिंग चेंज नहीं हुआ है, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, एम डबल होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। वैसे एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है टाइम पीरियड, मैं खाली बता रहा था, ऐड कर रहा था कि एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हुआ है। द एवरेज एनर्जी इन वन टाइम पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो एवरेज एनर्जी पूछा, जीरो मत बोल देना, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड में एवरेज एनर्जी का वैल्यू क्या है, है ना। अब कुछ बोला नहीं गया मतलब टोटल एनर्जी होगा, अब टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन ही होता है हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन इतना, चाहे कोई ऐसा भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो या कोई और सिस्टम हो, हाफ के ए स्क्वायर। अब दिस इज ए कॉन्स्टेंट, और कोई चीज़ अगर कॉन्स्टेंट है तो उसका एवरेज वैल्यू सेम होता है, वही रहता है, ठीक है। तो इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है, के का बदले एम ओमेगा स्क्वायर लिखो, मतलब अगर ये कॉन्स्टेंट तो एवरेज एनर्जी यही आना चाहिए या ये आना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्म में दिया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। पेन का थिकनेस बना रहे थे, बहुत कम है, ठीक है। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद ए फ्रीक्वेंसी वी, इसको मैं वी पढ़ता हूँ, बहुत से लोग न्यू पढ़ते हैं शायद, हाँ न्यू ही बोलना चाहिए, मैं वी पढ़ता हूँ। द फ्रीक्वेंसी विथ विच द काइनेटिक एनर्जी ऑक्सीलेट्स, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है ना। अब अगर फ्रीक्वेंसी से आपको अजीब लगता है फ्रीक्वेंसी सुन के, तो ये समझ लो कि ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कितने देर में चेंज हो रहा है, ठीक है। चेंज हो रहा है मतलब समझाता हूँ, जैसे अगर पार्टिकल का SHM ऐसा है, उसका पोजिशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा है ना, कैसा भी हो सकता था, मैं ये वाला ड्रॉ किया हूँ, ठीक है ना। साइनसोइडल तो रहेगा, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ जीरो से स्टार्ट करने, कहीं और से भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन एक साइकिल ड्रॉ करना था, मैं ऐसा कर दी, ठीक है, ठीक है। अब इसके करिस्पॉन्डिंग एनर्जी, टोटल एनर्जी का, टोटल सॉरी फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा आएगा वो देखते हैं हम लोग। इसी करिस्पॉन्डिंग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ बना दे रहे, ठीक है ना। तो टी इक्वल टू जीरो पे देखोगे तो एक्स जीरो है, यानी मीन पोजिशन है, मीन पोजिशन में तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, ठीक है, ठीक है। ये है कौन सा टाइम, टी बाय फोर, है ना, वन फोर्थ ऑफ टाइम पीरियड बीता है ना, इस समय वो एक्सट्रीम पोजिशन पहुँच गया एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है। एक्सट्रीम पोजिशन में तो वेलोसिटी जीरो है, तो यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो, ठीक है। फिर ये वाला कौन सा पोजिशन है, ये फिर से मीन पोजिशन है, क्योंकि एक्स का वैल्यू यहाँ पे फिर से जीरो, तो फिर से यहाँ पे मैक्सिमम होगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी वो मीन पोजिशन पर रहता है उसका स्पीड मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी जो है, जितने देर में आपका ये चीज़ एक साइकिल किया, उतने देर में काइनेटिक एनर्जी का साइकिल दो बार बीत चुका है, यही हुआ है ना, ये जितने देर में एक साइकिल किया है ये उतने देर में अपने आप को दो बार रिपीट किया ना, अगर इसका ग्राफ कंटिन्यूस ड्रॉ करना है तो ऐसा ऐसा आएगा, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड, ये कितने देर में खुद को रिपीट कर रहा है, इसका मिनिमम रिपीटिंग यूनिट जो है ये है, यही चीज़ को कॉपी पेस्ट करो आप पूरा जनरेट हो जाएगा, देखो मिनिमम रिपीटिंग यूनिट यही है, लेकिन इसका मिनिमम रिपीटिंग यूनिट थोड़ा मैं ग्राफ ऊपर नीचे बनेगा अब, ठीक है, उतना सोच नहीं रहा हूँ, बना दे रहा हूँ। इसका मिनिमम रिपीटिंग यूनिट कितना है, इतना है, ठीक, गलत नहीं, मैं सिंक का बात कर रहा हूँ, यहाँ तक तो मैं सिंक कर रहा था, इसके बाद से मैं उतना नहीं कर रहा हूँ, हाँ ठीक ठाक बनी है ऑलमोस्ट, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। तो कितने देर में फ्रीक्वेंसी क्या होगा, टाइम पीरियड इसका हाफ है तो फ्रीक्वेंसी डबल है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, एक सेकेंड में कितनी बार कितना साइकिल बीता है, ठीक है ना, मान लो ये एक सेकेंड है, ठीक है। तो एक सेकेंड में अगर इसका फ्रीक्वेंसी, इसका नंबर ऑफ साइकिल वी पहुँचा है तो इसका कितना होगा, टू वी होगा, फ्रीक्वेंसी डबल होता है, मतलब ये बोलने का है ना, काइनेटिक एनर्जी का डबल होता है, ठीक है। अब इक्वेशन से भी देख सकते हो आप, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और वेलोसिटी का वैल्यू इन SHM क्या होता है, पोजिशन, अगर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिए हो मान लो,
तो वेलोसिटी क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, अब ये तो पूरे कांस्टेंट है, ठीक है, और ये चीज़ क्योंकि कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे साइन है तो साइन का पीरियड टी है, तो कॉस का पीरियड कॉस स्क्वायर का पीरियड टी बाई टू, कॉस का पीरियड भी टी होता है, ठीक है, लेकिन कॉस स्क्वायर का टी बाई टू है ना, या एक्चुअल में देखा है तो इसका टाइम पीरियड टू पाई बाई ओमेगा है, तो इसका टाइम पीरियड आप निकाल लोगे तो टू पाई बाई टू ओमेगा आएगा। मैं अलग अलग तरीके से बता रही हूँ पूरा मैथमेटिकल, ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया छोड़ देना, बायो वाले बच्चों को शायद नहीं आएगा ये समझ में, ये पूरा मैथमेटिकल है इसको छोड़ भी देना, ऊपर वाले तरीके से समझ लो ग्राफ वाले मेथड से, ठीक है। 14 में पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एस एच एम अंडर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग, द टाइम पीरियड इज टी, इफ द स्प्रिंग इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड वन पार्ट इज यूज टू कंटिन्यू द सिंपल हैंड मोशन, तो टाइम पीरियड क्या होगा। अब स्प्रिंग को दो इक्वल पार्ट में तोड़ दिया, याद रखना स्प्रिंग का लेंथ को हाफ करते तो के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट डबल हो जाता है, ठीक है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, तो लेंथ को हाफ करेंगे, ठीक है, तब स्प्रिंग कॉन्स्टेंट डबल हो जाएगा, है ना। तो पहले था आपका जब स्प्रिंग बड़ा था, ठीक है, तब की स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के था, अब स्प्रिंग हम लोग हाफ कर दिए तब स्प्रिंग कॉन्स्टेंट टू के हो गया, ठीक है, सेम ब्लॉक लगा हुआ है, ब्लॉक में तो कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। तो आपसे बोला गया है कि टाइम पीरियड क्या होगा, इस केस में टाइम पीरियड का वैल्यू टू पाए रूट ओवर एम बाय के, और नया टाइम पीरियड का वैल्यू टू पाए रूट ओवर एम बाय इतना, ठीक है, अगर दोनों का रेशियो ले तो टू पाए कैंसिल रूट ओवर ओवर कैंसिल तो ये रूट टू आ जाएगा, ठीक है। तो न्यू टाइम पीरियड इज़ वन बाय रूट टू टाइम्स ओल्ड टाइम पीरियड, समझ में आई बात, ठीक है ना। ये तो नया टाइम पीरियड क्या है, इससे कम हो गया ना, तो न्यू टाइम पीरियड इज़ टी बाय रूट टू बिकम्स डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बिकम्स टी बाय रूट टू। 15 में टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ इक्वल मास आर सस्पेंडेड फ्रॉम टू सेपरेट मासलेस स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के वन एंड के टू, ठीक है, ऑफ इक्वल मास सस्पेंडेड फ्रॉम टू डिफरेंट स्प्रिंग्स, इफ द बॉडीज ऑसिलेट वर्टिकली सच दैट देयर मैक्सिमम वेलोसिटीज आर इक्वल, दोनों का मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल है तो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होगा, ठीक है। अब याद रखना स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो उसमें ये सब मतलब उसमें आपका क्या फर्क आता है, खाली मीन पोजिशन का फर्क आता है, बाकी कोई चीज़ फर्क नहीं आता, ठीक है, तो बाकी सब फॉर्मूला सेम रहेगा। मतलब क्या है, वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी एस एच एम ही करता है तो उसके लिए भी वी मैक्स का वैल्यू वही होगा जो हॉरिजॉन्टल एस एच एम के लिए रहता है या कोई भी एस एच एम के लिए होता है, ओमेगा टाइम्स ए, ठीक है ना। तो आपको बोल दिया गया है, आपका लिए याद रखना है वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी एस एच एम ही करता है, और एस एच एम करता है तो बाकी सब एक एस एच एम का इक्वेशन लगा दो तो मैक्सिमम वेलोसिटी दोनों का इक्वल है। तो पहले केस का मैक्सिमम वेलोसिटी मान लो कितना है, ओमेगा वन ए वन, पहले केस का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये और ये उसका एम्पलीट्यूड, और दूसरे केस का हो जाएगा इतना, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा, है ना, तो एम्पलीट्यूड का रेशियो, ठीक है, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है रूट ओवर के बाय एम, के टू बाय एम टू के वन बाय एम वन, ठीक है, लेकिन मास दोनों का इक्वल इसलिए एम टू एम वन नहीं लिख रहा हूँ मैं, लिखने तो लिख दो फिर काट देना, तो रूट ओवर के टू बाय के वन हो गया, ठीक है, ऑप्शन डी है ना। स्प्रिंग मास सिस्टम ऑसिलेट्स विद अ फ्रीक्वेंसी न्यू इफ इट इज टेकन इन एन एलिवेटर विच इज स्लोली एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, तो फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन होता है टू पाई, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो टाइम पीरियड टू पाई रूट ओवर के बाय एम, एम बाय के सॉरी, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है ना, तो चलो फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी होता है वन बाय टाइम पीरियड यानी वन बाय टू पाई रूट ओवर के बाय एम, है ना। अब इसमें ऐसा कोई चीज़ है जो जी इफेक्टिव पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आपका एलिवेटर में जाएंगे तो सिर्फ जी इफेक्टिव चेंज होता है, तो दिस डज नॉट डिपेंड ऑन जी इफेक्टिव, डज नॉट डिपेंड ऑन जी इफेक्टिव, या आपको अगर हार्ड लग रहा है सोन के जी इफेक्टिव, और इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो लिफ्ट एक्सेलेट कर रहा है कि उस पर डिपेंड करेगा, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट तो लिफ्ट एक्सेलेट कर रहा है कि उस पर डिपेंड नहीं करेगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट लिफ्ट एक्सेलेट कर रहा है कि उस पर डिपेंड नहीं करेगा, कॉन्स्टेंट है दोनों कॉन्स्टेंट और टाइम पीरियड वही, डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट, तो दिस विल फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, ठीक है। अ स्प्रिंग मास सिस्टम ऑसिलेट्स इन अ कार, इफ द कार एक्सेलरेट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल लोड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विल बी, फिर से ऑसिलेशन जो आपका स्प्रिंग मास सिस्टम है उसका जो ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो वन बाय वही ऊपर वाला इक्वेशन से वही आ जाएगा, वन बाय टू पाई रूट ओवर के बाय, और इसमें से कोई चीज़ है ही नहीं जो कार के एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर,
ठीक है, तो फिर से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, है ना। 18 में पेंडुलम क्लॉक दैट कीप्स करेक्ट टाइम ऑन अर्थ इज टेकन टू द मून, इट विल रन, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम क्लॉक होता है 2π√L/g, है ना। अब इसमें मून पे ले जाने पे इसमें तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, मून पे ले जाने में किस में फ़र्क आएगा, जी पे फ़र्क आएगा, है ना। तो टाइम पीरियड ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड ऑन मून हो जाएगा, अगर इनका रेशियो ले तो जी ऑन मून डिवाइडेड बाई जी ऑन अर्थ, क्योंकि टाइम पीरियड ऑन अर्थ लिखेंगे ये पूरा एक्सप्रेशन, टाइम पीरियड ऑन मून लिखेंगे ये पूरा एक्सप्रेशन, दोनों को डिवाइड करेंगे तो सिर्फ जी कैंसिल नहीं होगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं से आप बोल सकते हो, क्योंकि ये एक्सप्रेशन आया था तो यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब आपको बोल दिया गया है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मून का जो ग्रेविटी क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है वो 1/6 ऑफ अर्थ होता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल जी का वैल्यू ऑन मून जो होता है वो 1/6 ऑफ अर्थ होता है, यानी अर्थ का जो होता है वो 6 गुना होता है ऑफ मून, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल जी का वैल्यू ऑन अर्थ इज 6 टाइम्स ऑफ मून, तो ये 1/√6 आया, ठीक है। अब इससे आप क्या मिल रहा है, आपको टाइम पीरियड ऑन मून इज √6 टाइम्स टाइम पीरियड ऑन अर्थ, ठीक है। अब √6 तो ग्रेटर देन 1 होता है ना, √6 क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। यानी मून पे जो टाइम पीरियड वो ज़्यादा है कंपेयर टू अर्थ। अब टाइम पीरियड ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, कि टाइम पीरियड क्या होता है, एक साइकिल करने का में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। अब मून में एक साइकिल करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक साइकिल बीतने में, यानी मून में क्लॉक स्लो चल रहा है। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है एक साइकिल में, मतलब क्लॉक स्लो चल रहा है, आप टाइम कैसे नापते हो, पेंडुलम क्लॉक से, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन गिनते हो उसका, ठीक है। तो अर्थ में ऑक्सीलेशन मतलब जैसे यहाँ से यहाँ ये पूरा एक साइकिल है, ठीक है, इसको अगर एक सेकेंड बोल रहे हो तो मून में यही सेम चीज़ हो रहा है, √6 टाइम्स लेट, मतलब √6 टाइम्स ज़्यादा टाइम हमें लग रहा है, मतलब अर्थ में अगर ये एक साइकिल में एक सेकेंड लग रहा है तो मून में √6 सेकेंड्स लग रहा है, तो वो स्लो चल रहा है, ठीक है। तो इट विल रन √6 टाइम्स स्लोअर, डी ऑप्शन, समझ में आई बात। लोग यूजली इसके टाइम पीरियड ऑफ मून इज √6, यानी √6 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑन अर्थ, यानी टाइम बढ़ गया मतलब फास्ट चल रहा है, नहीं टाइम बढ़ गया मतलब स्लो चल रहा है। सेम चीज़ सेम इवेंट में जितना अर्थ में टाइम लग रहा है मून में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। अ वॉल क्लॉक यूजेज अ वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम, एक सेकेंड फोन बज रहा है, इसको पॉज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में अ वॉल क्लॉक यूजेस वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम टू मेजर टाइम, इच टाइम द मास रीचेस एन एक्सट्रीम पोजिशन द क्लॉक एडवांसेज बाय अ सेकेंड, ठीक है। तो अभी सेकेंड लाइन में आपको खाली ये बताया गया है कि एक सेकेंड कैसे नाप रहे यूजिंग दिस वर्टिकल स्प्रिंग क्लॉक सिस्टम, है ना, इसको क्लॉक जैसे कैसे यूज़ कर सकते, बस यूज़ कर रहे उस पर्टिकुलर केस में, बस ये बोला गया। द क्लॉक गिव्स करेक्ट टाइम एट द इक्वेटर इफ द क्लॉक इज टेकन टू द पोल, अब इक्वेटर से पोल ले जाने में जी में फ़र्क आता है, ठीक है। लेकिन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड तो जी पे डिपेंड करता ही नहीं है, टाइम पीरियड जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का होता है वो ऐसा रहता है, इसमें जी पे कोई डिपेंडेंस है ही नहीं। तो अर्थ में आप कहीं भी लेते जाओ, क्योंकि जी पे फ़र्क पड़ ही नहीं रहा, तो जी में चेंज होगा, अर्थ में आप लोकेशन चेंज करोगे तो, ठीक है। और जी का फ़र्क जी पे डिपेंड कर ही नहीं रहा टाइम पीरियड, तो क्लॉक में कोई फ़र्क नहीं आएगा, इट विल अगेन गिव करेक्ट टाइम, अगर इक्वेटर पर करेक्ट टाइम दे रहा है तो पोल्स में भी करेक्ट टाइम देगा, ठीक है। अ पेंडुलम क्लॉक कीपिंग करेक्ट टाइम इज टेकन टू हाई ऑल्टीट्यूड, अब पेंडुलम क्लॉक को हाई ऑल्टीट्यूड पे ले गया मतलब ज़्यादा हाइट पे ले गया, याद रखना हाइट बढ़ाने से जी डिक्रीज होता है, ठीक है। हाई ऑल्टीट्यूड मतलब जी घट गया, ठीक है ना। तो उसका टाइम पीरियड घट जाएगा, क्या करने से टाइम पीरियड करेक्ट रहेगा, वो सब चीज़ पूछा गया है। तो टाइम पीरियड पे पेंडुलम क्लॉक 2π√L/g होता है, ठीक है। आप करेक्ट ऑल्टीट्यूड पे मतलब करेक्ट क्या हाई ऑल्टीट्यूड पे ले गए तो जी घटा है, लेकिन अगर टाइम पीरियड को सेम रखना है, अगर आपको इसको सेम रखना है, ये चीज़ में तो फ़र्क नहीं है आएगा, कॉन्स्टेंट है। जी अगर घट रहा है तो अगर डिनोमिनेटर घट रहा है तो न्यूमिनेटर भी घटना चाहिए, ठीक है। तो आपको एल को घटाना चाहिए, तो टी सेम तब रहेगा अगर जी घट रहा है एंड एल भी घट रहा हो, मतलब दोनों ऐसा घट रहा हो सेम फैक्टर से घट रहा हो, जी से आधा हो गया तो एल भी आधा हो गया, ठीक है। जी 5% घटा है तो एल भी आपका 5% से घटा है, ठीक है। तो इट्स लेंथ शुड बी इंक्रीज टू कीप इट्स लेंथ शुड बी डिक्रीज, सी होना चाहिए, ठीक है। 21 में द फ्री एंड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज अटैच टू द सीलिंग ऑफ ए बॉक्स, the box is taken to height and the pendulum is oscillated, when the bob is at the lowest position the box is released to fall freely, ठीक है। तो आपके इस बॉक्स एक बॉक्स अभी रुका हुआ है, बॉक्स रेस्ट पे है और यहाँ पे एक पेंडुलम ऑक्सीलेट कर रहा है, तो ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। इस दोनों पोजिशन के बीच में पेंडुलम ऑक्सीलेट कर रहा है, आप इसको देख रहे हो, हाँ ठीक है। अब क्या किया आपने, बॉक्स का जो सपोर्ट था वो काट दिया,
बॉक्स इज रिलीज टू फॉल फ्रीली, ठीक है ना। अब आप अगर बॉक्स के अंदर हो, एज सीन फ्रॉम द बॉक्स, एज सीन फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स के अंदर हो यानी जब बॉक्स फ्री फॉल हो रहा है आप बॉक्स के अंदर हो, ठीक है, तो बाकी दुनिया को भूल जाना है, आपके रिस्पेक्ट में पूछा गया है ना, विथ रिस्पेक्ट टू दिस मैन यानी जो भी बॉक्स के अंदर है उससे पूछा गया है। तो सबसे पहले एकदम इनिशियल मोमेंट में देखेंगे कब काटा गया था ये ऊपर वाला रस्सी, फ्री फॉल कब स्टार्ट हुआ था, जब ये सिंपल पेंडुलम जो है अपने मेन पोजिशन में, द बॉब इज एट लोएस्ट पोजिशन, है ना, मेन पोजिशन मतलब वही लोएस्ट पोजिशन में, ठीक है ना। तो द बॉब इज रिलीज टू फॉल फ्री, ठीक है, तो इस ये इनिशियल मोमेंट है, इसी समय वो पेंडुलम का जो सपोर्ट, ये लिफ्ट का जो सपोर्ट है उसको छोड़ दिया गया है, ठीक है, इसको काट दिया गया है ना, ठीक है। तो अभी इस मोमेंट में तो आपको पता है इसका वेलोसिटी इस तरफ होगा कुछ, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, या 10 से आपको जी का वैल्यू का याद आ रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ और वैल्यू, तो मान लो 8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब यहाँ पे पहुँचता था तो इसका स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड रहता था, है ना, लोएस्ट मोस्ट पोजिशन पे, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड है। उसी मोमेंट में जब वो लोएस्ट पहुँचा था अभी काट दिए हम लोग, है ना, ठीक है। इस मोमेंट में अगर अब इस मोमेंट क्या, हेंस फोर्थ इसके बाद से जब भी जी इफेक्टिव का वैल्यू ये आदमी नापेगा इसको जीरो दिखेगा, देयर इज़ नो जी, क्योंकि ये जी से गिर रहा है, ठीक है, तो इसको जी इफेक्टिव क्या दिखे, जीरो। वही कारण था जिसके कारण लिफ्ट में आपको वेटलेस फील होता है अगर लिफ्ट फ्रीली फॉल हो रहा है तो, जैसे आप छत से कूदोगे, कूदना मत मैं बता रहा हूँ, अगर कोई चीज़ छत से फेंके हो आप तो उसके लिए जी इफेक्टिव क्या होता है, जीरो, क्योंकि फ्रीली फॉल हो रहा है ना, तो जी इफेक्टिव जीरो है, है ना। आपको पता है कि पेंडुलम में आपका वेलोसिटी कौन चेंज करता है, वेलोसिटी मतलब स्पीड कौन चेंज करता है, सॉरी वेलोसिटी नहीं स्पीड, अगर खाली टेंशन एक्ट करेगा, टेंशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, टेंशन वर्क कर ही नहीं सकता, तो टेंशन का वर्क तो जीरो रहता है, ठीक है। लेकिन एम जी भी रहता है, जो आप नॉर्मल केसेस देखते हो सिंपल पेंडुलम का, टेंशन भी रहता है, एम जी भी रहता है ना, तो यही एम जी इसका स्पीड बढ़ाता है घटाता है, जब वो एक्सट्रीम से मीन तक आ रहा है तो एम जी पॉजिटिव वर्क कर स्पीड बढ़ता है, जब वो मीन से एक्सट्रीम तो जाता है एम जी नेगेटिव वर्क कर रहा है तो स्पीड घटता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जी इफेक्टिव जीरो है, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ एम जी भी एक्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो आपका सूडो फोर्स वाला ये वो भी एक्ट कर रहा है, तो उसके कारण नेट वर्क डन जीरो है, मतलब अल्टीमेटली जी इफेक्टिव जीरो है, डायरेक्टली भी बोल सकते, ठीक है, जी इफेक्टिव जीरो है तो इसका स्पीड चेंज करने वाला कोई है ही नहीं, टेंशन तो वर्क कर ही नहीं सकता, और एम जी वाला पार्ट आपको देखना ही नहीं है, ठीक है। अगर एम जी देख रहे हो तो उसका सूडो फोर्स भी देखना हो, क्योंकि ये तो नॉन इनिशियल फ्रेम है, तो एम जी डाउनवर्ड रियल फोर्स, और क्योंकि इसका एक्सेशन जी डाउनवर्ड है तो सूडो फोर्स एम जी अपवर्ड लेंगे, तो दोनों एक दूसरे कैंसिल कर दें, ठीक है। तो कोई अगर कोई पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, और वो एक रस्सी से बंधा हुआ है, स्पीड चेंज नहीं हो सकता, तो किस में चलेगा, सर्कल में चलेगा, ठीक है, सर्कल में चलेगा, इट विल मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ, यही होगा, ठीक है, विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, है ना, इट विल गो ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 21, है ना, ओके, तो लास्ट क्वेश्चन था, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कोई जो भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ लेना, नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव 2 कर लेंगे, ऑलरेडी कर चुके होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है, जो भी डाउट होगा कमेंट में पूछ लेना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अंटिल देन बाय।